कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस जल्दी जल्दी 10K सब्सक्राइबर्स कर दें, तो जल्दी से सेलिब्रेशन करें और आए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने जैसे कि रखा था इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस वाला, तो मैंने बोला था सबके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। तो आए अभी स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि किसी का भी क्वेश्चन स्किप ना हो, तो जितना हो सका मुझसे मैं सबके जवाब दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है मोहम्मद जीशान का, दिन में कितनी पॉकेट मनी, सच बताना, नाम ज़रूर लेना। नाम तो भाई मैंने आपका ले लिया। दिन में नहीं मिलती पॉकेट मनी, मंथली मिलती है, पर दिन में 2-3 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, मैसेज है। माशाल्लाह ये लड़की है, नाम समझ नहीं आ रहा मुझे, इंग्लिश नाम है यार। असा सिंधी मानू इंग्लिश पढ़ाना चाहिए कौन। मैसेज है, भा तव्हांजो वीडियोस वगैरह जाम सुठियूं हूंदियूं आहिनि, जस्ट लव एंड लाइक इट। थैंक यू, वधी महिरबानी, लख थोरा कुर्ब तव्हांजा। उसके बाद क्वेश्चन है सुहाना मयसर का, पूछ रही है जैन मला आपका क्या लगता है। जैन मला दोस्त है मेरा। उसके बाद क्वेश्चन नहीं है मैसेज है बस। समझे दुआ मेमन का, आप फॉलो बैक क्यों नहीं करते। ऐसे ही, कोई खास वजह नहीं है। उसके बाद मैसेज आया है राबिया 875 का, अमीन फरहाद और मदी भाई के साथ ब्लॉग बनाया करो, चैलेंज वीडियोस हाजिर। उसके बाद मैसेज है जेमनाई गर्ल का, यार आप अपनी गर्लफ्रेंड का इंट्रो करवाएं, सॉरी। उसके बाद मैसेज आया है स्टाइलिश बलोच, हेलो नोमी कैसे हैं आप, स्नैपचैट आईडी का नाम बताओ प्लीज़। स्नैपचैट आईडी का नाम है नोमी बादशाह 110। मैंने मेंशन की हुई है टिकटॉक अकाउंट पे और देख लीजिएगा वहीं से। उसके बाद मैसेज है बतूल कंदड़ों का, आपके अम्मी अबू कहाँ होते हैं। मेरे अम्मी अबू कहाँ होंगे, घर पे होते हैं और कहाँ होंगे। उसके बाद मैसेज है हैदराबाद मीम्स, आपका अबू कौन सा बिजनेस करता है। बस गरीब आवाम और पी दिहाड़ीदार मजदूर आपको बिजनेस बिजनेस कोने था। उसके बाद मैसेज आया है रईस हुज़ैफ़ा का, मम्मी भाई आप शादी कब कर रहे हो। भाई अभी पढ़ तो लूँ पहले, उसके बाद शादी का सोचूंगा। उसके बाद मैसेज है अनस अली का, भाभी को डेंगू हुआ था ना, ठीक हो गया। हाँ मेरी भाभी को डेंगू हुआ था, अब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद मैसेज है फैज़ान मेमन का, जानी तव्हां आईफोन 14 कॾहिं वठंदा। सर 14 नथा वठूं, 13 सही आहे, कमु हले थो पियो। उसके बाद मैसेज है साइलेंट गर्ल का, मम्मी भाई आप इतने स्वीट और क्यूट क्यों हो, पता नहीं है मेरे को। उसके बाद आपसी मैसेज आया जुनेद रजा का, 14 प्रो मैक्स कब ले रहे हो। यार 14 प्रो मैक्स नहीं ले रहा हूँ। मैसेज आया है इकरा जहरा का, आपकी कितनी सिस्टर्स हैं। नहीं है मेरी सिस्टर्स। उसके बाद मैसेज आया है फिजा शेख का, आपने व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले अपने पेरेंट्स से परमिशन ली थी व्लॉगिंग पे, गेम को जा आधी माँ जा, गलत काम थोड़ी ले गए परमिशन उठा। नहीं मैंने कोई परमिशन नहीं ली थी किसी से। उसके बाद मैसेज आया यासिर अली चांचड़ का, माँ सदर से कब मिलोगे। भाई जब मिलूँगा तो देख लेना। बिलाल भट्टी का मैसेज आया है भा इंस्टा दे मैसेज लिस यहाँ तर आप तो कर थोड़ो क्यों भाई। उसके बाद मैसेज है बहुत सारे मैसेज हैं वैसे हैं, क्या जवाब दूँ इनका। मैसेज आया है नूर खान 930 का, हैदराबाद वारा अध सिंधी अध उर्दू छो ॻाल्हाईंदा आहिनि। हैदराबाद वारा जी उर्दू ई टंग टुटल हूंदी आहे, असल में जेके सिंधी हूंदा आहिनि न
उसके बाद है फहद मेमन, मैंने सुना था आपने फेस रिवील की वीडियो पोस्ट की थी टिकटॉक पर, भाई सही सुना था आपने, फिर मैंने डिलीट कर दी। हसनैन मेमन का मैसेज आया है, योर टेल मी योर टिकटॉक जर्नी। भाई टिकटॉक का नहीं पूछो, 3 अकाउंट बनाए थे मैंने, ऊपर जाते हैं वापसी बैंड ऊपर, अल्लाह खैर करे जो अकाउंट है आखिरी है इसके, अगर ये बैंड हो गया ना अब नहीं बनाऊंगा। उसके बाद मैसेज आया है केसर सोलंगी का, ब्लॉग से कितना कमा लेते हो? भाई इतना कमा लेता हूँ कि घर भी मेरा उसी से चलता है और महीने में बचा सेविंग भी कर लेता हूँ, फिर रख देता हूँ बैंक वैंक में, मैं बोलता हूँ कुछ काम आ जाएगा फ्यूचर में। यार ऐसे सवाल करो, खुदा को मानो जवाब देने में भी शर्म ना आए। उसके बाद रिजवी सैयदा सना का मैसेज आया है, ये क्वेश्चन ये पूछना है कि लाइव कब आते हो इंस्टाग्राम पे? लाइव में तब आता हूँ मैं, मोस्टली लाइव आता हूँ रात को देर से, जब फ्री होता हूँ और बोर होता हूँ ना तब। उसके बाद बहुत सारे मैसेज हैं, किस किस को जवाब, मैसेज तो ऐसे करते हो आप लोग, मैं बोलता हूँ क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो मैसेजेस हैं। यूट्यूबर तो यूट्यूबर मीटर होना चाहिए। उसके बाद मैसेज आया है अजीज मेमन का, यूट्यूबर टू यूट्यूबर मीटअप होना चाहिए, आप किसी चीज़ में रिप्लाई भी नहीं देते हो। भाई आप यूट्यूबर हो मुझे नहीं पता था, बिल्कुल मिलेंगे आपसे। उसके बाद मैसेज आया है क्या, इतने मैसेज हैं, हाँ अमल का मैसेज आया है, आपकी पूरी फैमिली तो देख ली, आपके बाबा नहीं देखे हमने। तो यार मैंने अभी रिसेंट अपने भाई के निकाह का ब्लॉग पोस्ट किया है, उसके थंबनेल में आप पिक्चर देखिएगा, वो हमारी फैमिली पिक्चर है, वो पूरी फैमिली वही है, उसमें वाइट सूट में बैठे हैं मेरे बाबा, वो आप जूम करके देख लीजिएगा, और ब्लॉग में वो नहीं आते हैं, अब सब किसी का अपना मूड होता है। उसके बाद मैसेज आया है एस के अलनाया, पता नहीं ऐसा कुछ नाम है, तव्हां सुणा आहियो बट तव्हां पंहिंजो फेस शो कोन ॾेखारियो, ईअं ई यार वजह कोन्हे गाड़ी ख़ासि। उसके बाद मैसेज आया है वीनी राज का, यानी मिठी थर कब आ रहे हो घूमने? इंशाल्लाह भाई ज़रूर आएंगे। क्वीन बलोच का मैसेज आया है, सवाल को भी कोन्हे, तव्हां प्यारा लॻंदा आहियो, थैंक यू सो मच। उसके बाद मैसेज आया है जल्दी से जल्दी, अलियान बलोच का, जल्दी से जल्दी 1 मिलियन करना है। ओके भाई किस पे 1 मिलियन करना है, क्या करना है? यार मैसेज जैसे है ना, यकीन करें पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, ये देखें मैसेजेस तो बहुत हैं पर बंदा कोई दिमाग वाली बातें करे, अब क्या बातें करूं मैं, समझ ही नहीं आ रहा है। नोमी मैंने तो बस इसको छोड़े हैं मैसेजेस को, देखता हूँ फिर भी आपके लिए कोई अच्छा मैसेज हो, आपके फ्यूचर में क्या हो, इसको छोड़ते हैं। मेरी अपील है आप लोगों से, जल्दी से जल्दी 10K सब्सक्राइबर्स करो यार, क्योंकि मैं सोच के बैठा हूँ कि सेलिब्रेशन करनी चाहिए यार यूट्यूब पे, मतलब इतनी जल्दी 10,000 फॉलोअर्स गेन, सॉरी सब्सक्राइबर्स गेन करना मेरे नज़र में तो आसान नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना जैसे हैदराबाद के जो हैं ब्लॉगर्स, मैंने सबके अकाउंट विजिट किए हैं, सबके देखे हैं। तो थैंक यू सो मच, पहले तो आपने इतना प्यार दिखाया, उसके बाद बस अब जल्दी 10K कर दें तो इंशाल्लाह आगे भी आपकी ऐसे ही सपोर्ट रहेगी तो करेंगे डेली ब्लॉगिंग आपकी वजह से। और मैं सोच रहा हूँ यार अब मास्क उतार दूँ, मास्क जो है ना वो मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है। आपको आज का सीन बताता हूँ, आज मैं गया था मॉल, मैं सुबह तक कुछ भी खाया नहीं, मैंने नहीं खाया था, मैं गया मॉल और मुझे वहाँ बहुत भूख लग रही थी, पर जब भूख तो लग रही थी मुझे, ऐसा नहीं था मेरे पैसे नहीं थे और मैं कुछ ले नहीं सकता था, पैसे थे वो मसला नहीं था, पर मैं जब किसी रेस्टोरेंट पे जाके खड़ा हो रहा था कुछ लेने के लिए और मैं यूँ नजरें घुमा रहा था ना, लोग यूँ फ़ोन लेकर यूँ खड़े थे, अब मैं सोच रहा था मैं लेकर कुछ खाऊंगा कैसे, लोग जो है वो आ भी नहीं रहे थे लेकिन दूर से मतलब
कैमरा ऐसे पकड़ के खड़े होते हैं, फिर मैं यार ऐसी प्लेस पब्लिक प्लेस पे कुछ खा भी नहीं सकता हूँ। कहीं जाता हूँ पूछ बोलते हैं भाई क्या खाओगे, कैसे बोलूँगे कुछ खाऊँगा, मास्क उतारूँगा तो कोई पिक्चर ले लेगा तो वैसे ही काम खराब हो जाएगा। तो अभी आप कमेंट्स में बताइएगा कि क्या करूँ। सोच रहा हूँ मैं तो यही कि मास्क उतार दूँ, दादा आप बताइएगा। तो बस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, उम्मीद है व्लॉग आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।